श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नमो महादेव शंभो शिव 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 नारायण नारायण नारायण। समुपस्थित समादरणीय श्री निम्बार्क पीठाधीश्वर महाभाग मान्य श्री रामस्नेही संप्रदाय पीठाधीश्वर महाभाग मान्य श्री मुलूक पीठाधीश्वर जी महाभाग, समवेत संत वृंद, विद्वद वृंद, भक्त वृंद एवं भक्तिमती माताओं, आस्था और आह्लाद पूर्वक गोविंद और गोवंश के पवित्र सानिध्य में यह भव्य कार्यक्रम चल रहा है। सज्जनों, श्रीमद् भागवत की रस रहस्यमयी कथा आपको मान्य मान भाव के मुखारविंद से श्रवण करने का सुयोग साधने जा रहा है। स्वादु स्वादु पदे पदे श्रीमद् भागवत शब्द ब्रह्म है। प्रत्येक पद में रसस्वरूप सगुण निर्गुण भयविद भगवत तत्व की अभिव्यक्ति होने के कारण आह्लादप्रदता है। श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंध के प्रथम श्लोक का अनुशीलन करें तो सत्यम परम धीमहि ध्यायेम। वेदांत वेद्य परम सत्य सच्चिदानंद स्वरूप भगवत तत्व ही एकमात्र ध्यान करने योग्य है। दूसरे श्लोक के माध्यम से इस तथ्य को उद्भाषित किया गया है कि वेद्यम वास्तव मात्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। परम सत्य भगवत तत्व ही परम वेद्य है। उसका विज्ञान प्राप्त होने पर त्रिविध तापों का आत्यंतिक उच्छेद हो ही जाता है। अर्थात ध्येय और वेद्य प्रामाणिक रीति से विचार करने पर एकमात्र भगवत तत्व ही सिद्ध होता है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम इस तीसरे श्लोक के माध्यम से एक अद्भुत रहस्य की अभिव्यक्ति होती है। पेय निरावरण कर्ण कुहरों के द्वारा पान करने योग्य सगुण निर्गुण भगवत तत्व ही है, उसका कथामृत ही है। और गेय गुनगुनाने योग्य भी एकमात्र भगवत तत्व ही है। तो भगवान को ही ध्येय समझें, वेद्य समझें, गेय समझें और पेय समझें, तब क्या होगा? भवबध्यम का आत्यंतिक उच्छेद हो जाएगा। समय की सीमा में एक संकेत करता हूं। विषयाध्यायतश्चित्तम विषयेषु विसर्जते माम अनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। यह उपनिषद भी है। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंध में भगवान श्री कृष्णचंद्र का उद्बोधन भी है। विषयों का चिंतन करता हुआ चित्त विषयों में रम जाता है, निमग्न हो जाता है। परंतु सावधान, विश्व में कोई ऐसा विषय नहीं है जो सदा के लिए चित्त के आकर्षण का विषय बन सके। इसलिए एक विषय में चित्त को रमाने पर भी विषयांतर में चित्त जाने के लिए बाध्य होता है। इसके विपरीत भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उद्धव जी को प्रबोधित करते हुए कहा मेरा ही चिंतन करता हुआ चित्त मय्येव प्रविलीयते, लीयते विलीयते प्रविलीयते। जब चित्त का उपयोग और विनियोग हम भगवत स्वरूप के चिंतन में ही करते हैं, तब वह चित्त चार खाने चित्त होकर, चिन्मात्र होकर अवशिष्ट रहता है। भगवत पाद शिवावतार शंकराचार्य महाभाग ने अपने शब्दों में इस तथ्य को उद्भाषित करते हुए कहा, चित्तम चिदित्य जानीयात तकार रहितम यदा तकारो विषयाध्यास जपा रागो यथा मानव। विषयाध्यास से विनिर्मुक्त चित्त चिन्मात्र भगवत स्वरूप होकर अवशिष्ट रहता है। त्रिपुरा रहस्य ज्ञान खंड, योग वासिष्ठ, महोपनिषद, अन्नपूर्णोपनिषद, पंचदशी आदि का अनुशीलन करें तो एक तथ्य उद्भाषित होता है। मननी शक्ति से युक्त आत्मा का नाम ही मन है। मननी शक्ति विनिर्मुक्त मन का नाम ही आत्मा है। इसलिए मन हमारा आपका रसिक है, रसलंपट है, और भगवान रसस्वरूप हैं, रसो वैसा, और रसिक भी हैं। रसस्वरूप भगवान में जब हम रसिक रस लंपट मन को रमाते हैं तो मन सदा के लिए भगवान में विलीन हो जाता है। मैं संकेत कर दूं, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वौ सुपर्णौ सयुजौ सखायौ। पैंगली रहस्योपनिषद के अनुसार इसका अर्थ है, हम जो जीव हैं उसका सनातन सखा मन है। जीवेश्वर तो सखा है ही, लेकिन पैंगल रहस्योपनिषद के अनुसार जीव का सखा मन है। हमारा आपका सखा या मन है सज्जनों, जिसे अंतःकरण कहते हैं, प्रसंगानुसार चित्त भी कहते हैं, और साथ ही साथ हमारा आपका या सेवक भी है। अहम गुरुर महाबाहो मन शिष्यम च विद्धि में अनुगीता महाभारत भगवान श्री कृष्णचंद्र का वचन है। उसके अनुसार हमारा आपका शिष्य भी है यह मन। मन के साथ हमारे तीन संबंध हो गए। हमारा आपका मन हमारा आपका सेवक है, सखा है और शिष्य है। और पते की बात यह है सज्जनों, शरीर तो छूटता रहता है, सगे संबंधी वियुक्त होते रहते हैं। अनादिकाल से अंतःकरण हमको सुलभ है। तब तक यह अंतःकरण हमारे साथ बना रहेगा जब तक हमको यह कैवल्य मोक्ष नहीं प्रदान करा देगा। केवल भोग भोगने से मन का प्रयोजन शांत नहीं होता। जीव को कैवल्य मोक्ष प्राप्त करा देने पर यह मन स्वयं भी परमात्मा स्वरूप होकर ही अवशिष्ट रहता है। तो चलते फिरते उठते बैठते जहाँ तक बन सके भगवान के दिव्याति दिव्य रसतम नामों को गुनगुनाते रहिए। श्रीमद् भागवत के 6 स्कंद के 2 अध्याय के अनुसार शब्द में अचिंत्य शक्ति का सन्निवेश है। वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। वहाँ 2 दृष्टांत दिए गए। अग्नि को कोई अग्नि समझकर छू ले तो जले बिना न रहे, और आग को कोई आग न समझकर छू ले तो जले बिना न रहे। अमृत को कोई अमृत समझकर उसका सेवन करे तो अमर हुए बिना न रहे। अमृत का सेवन कोई अमृत को अमृत न समझकर करे तो अमर हुए बिना न रहे। क्यों? वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन वहीं एक नियम निर्धारित किया गया, जहाँ वस्तु शक्ति का यह महत्व है वहाँ अज्ञान की शक्ति का भी अपार महत्व है। उदाहरण के लिए, मादा मृग के नाभिमंडल में कस्तूरी का निवास होता है। उसे इस तथ्य का परिज्ञान नहीं होता, लेकिन वस्तु शक्ति के बल पर गंध शून्य तृण इत्यादि का को सूंघने पर भी उसे सुगंध की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वस्तु शक्ति ज्ञान की अपेक्षा नहीं रखती। लेकिन अज्ञान भटकाए बिना नहीं रहता। तो भगवान नाम में दोनों प्रकार की क्षमता है सज्जनों। क्या क्षमता है? एक उदाहरण देता हूँ और प्रवचन को विराम देने की ओर ले जाता हूँ। सावधान, किसी व्यक्ति का नाम कल्पना कीजिए लालू है, बिहार का लालू ही नहीं, आजकल लालू की कमी नहीं है, सब जगह लालू। किसी व्यक्ति का नाम लालू है, उसकी माता धीरे से प्रेम पूर्वक पुकारती है लालू लालू, लेकिन लालू खर्राटे लेकर सोया हुआ है। अब दार्शनिक धरातल पर प्रश्न उठता है कि जब कोई व्यक्ति खर्राटे लेकर सोया होता है, उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या वह अपना नाम सुनने के बाद जगता है या जगने के बाद नाम सुनता है? ये प्रश्न ऐसे है कि व्यक्ति को विक्षिप्त कर दें। सबके बस की बात नहीं कि इस प्रश्न का उत्तर दे सके। खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर उसे पुकारा जाता है, तब क्या अपना नाम सुनने के बाद जगता है? अगर कहें नाम सुनने के बाद जगता है तो सोया हुआ सिद्ध नहीं होता। अगर कहें कि जगने के बाद नाम सुनता है तो नाम जगाने वाला सिद्ध नहीं होता। अंत में फलबल कल्प है कि खर्राटे लेकर सोया हुआ व्यक्ति जब उसका नाम लेकर पुकारा जाता है तो नाम में सन्निहित अचिंत्य शक्ति के बल पर उठ जाता है। जब लालू कालू आदि लौकिक नामों में भी अचिंत्य शक्ति सन्निहित है, तो कई मुचकर न्याय से यह तथ्य सिद्ध है अच्युत गोविंद गोपाल शिव नारायण इत्यादि जो भगवान के दिव्याति दिव्य रसतम नाम है, सज्जनों चलते फिरते उठते बैठते उनको गुनगुनाते रहिए। एक व्यक्ति जीवन काल में जो संस्कृत नहीं जानता था और मरने के बाद प्रियतराज हो गया, कल्पना कीजिए, संस्कृत पढ़ने का उसे अवसर नहीं प्राप्त हुआ। उसके उद्धार के निमित्त जब आप जैसे मनीषी मूल श्रीमद् भागवत का पारायण करते हैं, तब प्रश्न उठता है कि तब भी वो संस्कृत नहीं जानता था, अब भी संस्कृत नहीं जानता है, लेकिन उसका उद्धार तो प्रेत योनि से सुनिश्चित है। इसका अर्थ क्या होता है? जैसे सावर मंत्र होते हैं, उसका कोई अर्थ जाने या न जाने उसका प्रभाव पड़ता ही है। इसीलिए मूल श्रीमद् भागवत का कोई अर्थ जाने या न जाने विधिवत नैष्ठिक ब्राह्मण के द्वारा उसका पारायण हो तो अशुभ योनि से त्राण दिलाने में केवल भागवत के शब्द ही पर्याप्त हैं। कदाचित अहम ब्रह्म परम धाम ब्रह्माहम परमम पदम, भगवान सुखदेव जी का अंतिम उपदेश परीक्षित के प्रति यही है। और उपनिषदों में कहा गया राम मंत्रार्थ विज्ञानी जीवन मुक्तो न संशय। अगर भगवान नाम के अर्थ का प्रकाश हो जाए हृदय में, महावाक्यों के अर्थ का प्रकाश हृदय में हो जाए, तब तो परीक्षित के समान व्यक्ति का मोक्ष सुनिश्चित ही है। गोवंश की रक्षा की बात कही गई। महानुभावों ने वेदना पूर्वक अपने भावों को व्यक्त किया और आह्लाद इस बात को लेकर है। इस प्रकार अनेकों गौशालाओं का संचालन, संरक्षण, उद्भावन हमारे दत्तात्रेय जी महाभाग, नाम जो भी हो मुझे यही याद है, दत्तात्रेय जी महाभाग कर रहे हैं। उन जैसे लाडले प्यारे 50 भी गोभक्त हो जाएं तो पूरे भारत में गोवंश के बीज की रक्षा हो। अंत में मैं संकेत करता हूं, इसको केवल वाणी की प्रकल्पना मत समझिएगा। हम लोग विनोद में भी झूठ नहीं बोलते, समझ गए? वाल्मीकि रामायण उठा करके देखिए, विश्वामित्र के सैनिक वशिष्ठ भगवान के द्वारा लालित पालित गाय को नंदिनी बलपूर्वक घसीट के ले जा रहे थे। उसकी चमत्कृति का महात्म्य सुनकर, उसके चमत्कार का प्रत्यक्ष अनुभव करके, शील की सीमा में भगवान वशिष्ठ उस समय ब्रह्म तेज का उपयोग करके विश्वामित्र के सैनिकों को भस्म करना उचित नहीं समझते थे। ऐसे झांक कर देखा वशिष्ठ भगवान की ओर, नंदिनी ने कहा विश्वामित्र जी के सैनिकों को खदेड़ दो, तुम समर्थ हो, मेरा संकेत है। वशिष्ठ जी का संकेत प्राप्त करते ही उस नंदिनी ने अपने सिर का विन्यास किया, अंगों का विन्यास किया, यवन सैनिक प्रकट हो गए। आज के यवन गोभक्षक भले ही हो गए हों, लेकिन उनको समझना चाहिए मूल यवन गोवंश की रक्षा के लिए नंदिनी के शरीर से प्रकट हुए थे। हम लोग उस परंपरा में हैं जिनमें वशिष्ठ जी गुरु के रूप में प्रतिष्ठित और मान्य हैं। उन्हीं का स्मरण करके हम समय आने पर जब यहाँ लालित पालित गोवंश को संकेत करेंगे, लाखों सैनिक प्रकट करो अपने विग्रह से, समग्र देवताओं का निवास स्थान तुम हो। उस समय जितने देशी विदेशी शासक और व्यक्ति गोहत्या के पक्षधर हैं, वे अपने प्राणों की रक्षा अरबों एटम बम के माध्यम से, सैनिकों के माध्यम से नहीं कर सकेंगे। समझ गए? इसलिए सनातनियों को कोई दुर्बल ना माने। समझ गए? आज क्या स्थिति है, एक ही उदाहरण देकर। बंदर को जानते हैं और गन्ना को भी जानते हैं। एक छुदंड, आपके हाथ में बंदर कहीं गन्ना देख ले, उसकी दो बुद्धि बनती है। पहली बुद्धि बनती है मिठाई है, दूसरी बुद्धि बनती है पिटाई है, डंडा है क्या। अगर इस व्यक्ति ने सावधान होकर मेरी खोपड़ी पर बजार दिया तब तो मेरे लिए पिटाई है ये। अगर पूंछ हिलाकर किलकारी मारकर या घुड़की देकर हथिया लिया मैंने गन्ना को तो मिठाई है। पूरा विश्व हिंदुओं को मिठाई और पिटाई के रूप में देख रहा है आजकल। समझ गए ना? अगर हिंदू चेत गए, अपने स्वरूप को इन्होंने संभाल लिया, हमारे लिए पिटाई है। अरबों एटम बम करोड़ों डॉलर किसी की रक्षा करने में समर्थ नहीं है। समझ गए? अगर हिंदू भ्रमजाल के चपेट में आ रहे हैं, आते रहे, तो इन पर हम शासन करेंगे। यही स्थिति है, मिठाई और पिटाई। दोनों बुद्धि विदेशी तंत्र के पास है। लेकिन हम संकेत करना चाहते हैं, क्या संकेत करना चाहते हैं सज्जनों? भारत को उस प्रतीक्षा है उस प्रकार के प्रधानमंत्री की। फिर से सुनिए, भारत को उस प्रकार के प्रधानमंत्री की अपेक्षा है जो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान और अरब राष्ट्र की कूटनीति के आगे घुटना न टेके। आपको पता हो या न पता हो, पूरे विश्व की सूचना बिना गुप्तचर के, बिना फाइल के हमारे पास रहती है। पूरे विश्व में सनातन, वैदिक, आर्य, हिंदू धर्म के पक्षधरों की भरमार है। भारत का कोई प्रधानमंत्री माई का लाल ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भारत की मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग ठीक से कर सके। पूरा विश्व हमारा साथ देने के लिए तैयार है और अराजक तत्वों के दमन करने की पूरी क्षमता हमारे पास है। केवल भारत का शासन तंत्र सत्ता लोलुपता, दूरदर्शिता के कारण दिशाहीन हो चुका है। इसलिए उस मेधा शक्ति, रक्षा शक्ति, वाणिज्य शक्ति और श्रम शक्ति का सदुपयोग करने में समर्थ नहीं है। लेकिन व्यासपीठ के पुरोधा हम सोए हुए नहीं हैं। समझ गए? लोभ, भय, कोरी, भावुकता और अविवेक, ये चार हमारे शत्रु हैं। व्यासपीठ पर जो भी समासीन हैं, किसी भी सत्संप्रदाय के हों, मान्य आचार्य हों, लोभ, भय, कोरी, भावुकता, अविवेक के चपेट से मुक्त होकर, कल जो मैंने कहा था भगवत पाद, शिवावतार, शंकराचार्य महाभाग ने जो पावन व्यूह रचना की, 3 शब्दों में चयन, प्रशिक्षण और नियोजन, जिन महानुभावों का, दत्तात्रेय जी जैसे, आप जैसे, आप जैसे, आप जैसे, जिन महानुभावों का जन्म सनातन मानविंदुओं की गोवंश की रक्षा के लिए ही हुआ है, उन महानुभावों का चयन हो। अपेक्षित सांकेतिक प्रशिक्षण हो और मोर्चे पर नियोजन हो। कोई विश्व की ऐसी शक्ति नहीं जो आंख उठाकर भी हमारी ओर देखे क्यों? एक विचित्र बात है, हमारा सिद्धांत है श्रीमद् भागवत का, उसको बौद्धों ने अपने शब्दों में गुमफित किया। हमारा सिद्धांत नसूरयो हि व्यवहारमेनम, जड़ भरत जी पंचम स्कंद श्रीमद् भागवत, नसूरयो हि व्यवहारमेनम तत्वावमर्षेण सह मनन्ति। विचार कुशल जो मनीषी होते हैं वो तत्व विचार के समय व्यावहारिक मान्यता को तर्क पर रखकर विचार करते हैं, और बौद्धों ने हमारे सिद्धांत को अपने शब्दों में गुमफित करते हुए कहा तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, बुद्धि का स्वभाव होता सत्य का पक्ष लेना। पूरा विश्व जानता है, मानता है, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया। हमको अर्थ की परिभाषा बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर विश्व को आवश्यकता है तो हमसे अर्थ की परिभाषा जान ले। हमको विकास की परिभाषा रटाने की आवश्यकता नहीं है, विश्व को विकास की परिभाषा भी विदित नहीं है। अगर उसे सचमुच विकास की परिभाषा चाहिए तो हम लोगों से पूछ ले। इसलिए हमने संकेत किया तत्व पक्षपातो ही स्वभावोधियाम, पूरा विश्व जानता है, सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं के पूर्वजों ने विश्व को अर्थशास्त्र दिया, काम शास्त्र दिया, धर्म शास्त्र दिया, मोक्ष शास्त्र दिया, नीति शास्त्र दिया, गणित चिकित्सा इत्यादि का विज्ञान दिया। जैसे प्राचीन दिक् में ही पूर्ण चंद्र का उदय होता है और जैसे प्राचीन दिक् में ही सूर्य का उदय होता है, वैसे ही भारतवर्ष में ही उन मनीषियों का प्रादुर्भाव होता है जो अराजकता से विनिर्मुक्त, धर्म नियंत्रित, पक्षपात विहीन, शोषण विनिर्मुक्त, सर्वहिता प्रद सनातन शासन तंत्र की स्थापना करने में समर्थ होते हैं। सनातन धर्म के मान्य आचार्यों के दिन लद नहीं गए, इनको न मानने वालों के दिन लद गए। समझ गए? दीप की शिखा आप देखिए, बुझने के पहले एक बार बहुत जोर से ऊपर उठती है। इसीलिए जितने भौतिकवादी हैं, म्लेच्छवादी हैं, अवैदिक विज्ञान के पक्षधर हैं, उन सब के दिन लद गए, हमारे दिन नहीं लदे। समझ गए? हम तो आत्मा को अजर, अमर, अविनाशी मानते हैं। देह के भेद से आत्मा में भेद की प्राप्ति नहीं होती और देह के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता, इस सनातन सिद्धांत में आस्था रखते हैं। अरबों शरीर अब तक छोड़ दिया, क्या बाल बांका बना। कम से कम जिनकी आयु 80 वर्ष की है, एक वर्ष में उन्होंने 10 ही स्वप्न देखा हो। 80 वर्षों में स्वप्न के 800 शरीर उनके नष्ट हो गए, क्या वो अपना नाश मानते हैं? देह के नाश से जीव का नाश नहीं होता, एक ही उदाहरण पर्याप्त है। 800 शरीर हो गए लेकिन अपने को 800 मानते हैं या एक मानते हैं। देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। इतना ही नहीं, एक कालावच्छेदेन भी देह के भेद से जीव में भेद की प्राप्ति नहीं होती। बस यह दृष्टांत देकर मैं वाणी को विराम देता हूँ और अनुरोध करता हूँ हमारे लाडले प्यारे जो भी नाम हो श्रीमल्लुक पीठाधीश्वर जी को कि भागवत गद्दी यथास्थान बैठकर भगवान सुखदेव जी का मन में स्मरण करके शब्द ब्रह्मात्मक समाधि भाषा में उद्भूत श्रीमद् भागवत की कथा का पान रसिक महानुभावों को करावें। हमने एक संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया कि स्वप्नावस्था में एक शरीर हमको स्वप्न का व्यवहार संचालन करने के लिए मिलता है, उसमें तादात्म्य पट्टी के कारण हमको सहिष्णुता की सीमा में कोई घटना घटे स्वप्न में तो लोभ, भय आदि की प्राप्ति होती है। सचमुच में समग्र स्वप्न साक्षी जो तेजस है मांडुक्य उपनिषद, उसकी दृष्टि का विलास स्वप्न के स्थावर जंगम प्राणियों के सहित पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश और दिक्काल होते हैं। हम आप स्वप्नावस्था में कैसे हो जाते हैं? जितना स्वप्न प्रपंच होता है स्थावर जंगम प्राणियों के सहित उनके अभिव्यंजक संस्थान पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्काल सबके अभिव्यंजक संस्थान होते हैं। भगवान वेद का संकेत है, आराममस्य पश्यन्ति नटम पश्यति कश्चन, बृहदारण्यक खेद पूर्वक श्रुति कहती है यह जगत भगवान के द्वारा विरचित आराम है, उद्यान है, परम रम्य आराम यह जो राम है सुखदेव। लेकिन जितने बहिर्मुख प्राणी होते हैं इस जगत पर लट्टू हो जाते हैं। नतम पश्यत कश्चना, उस भगवत तत्व की ओर कोई भी तो नहीं निहारता। यही माया की चमत्कृति है सज्जनों। तो हमने संकेत किया, पूरा विश्व हमको दुर्बल मानता है, क्या हम दुर्बल हैं? एक बार सात्विक विनोद में हमने उज्जैन में हमारे पास दिग्विजय सिंह आ गए। मंच पर तो हमको देखा और सुना था, एकांत में देखा सुना नहीं था। आ गए सात्विक विनोद में, मैंने कहा, समझ गए ना, जो पार्टी उस समय शासन कर रही थी उसको लक्ष्य करके, दिग्विजय सिंह आप मानते होंगे कि हम लोग दुर्बल हैं, क्या हमारे पास सैनिक नहीं, संपत्ति नहीं, हम दुर्बल नहीं, हमसे भिड़ने का प्रयास मत करना। वो तो मान्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य के शिष्य हैं, हम लोग हम आस्था रखते हैं, लेकिन हमने संकेत किया, धोखे में भी हमको दुर्बल मत मानना। दिग्विजय सिंह हाथ जोड़े रहे, कुछ बोले नहीं। फिर हमने कहा कि आपको पता है आपकी माता आपके पिता से लेकर ब्रह्मा जी, आपकी माता आपके पिता से लेकर गोत्र प्रवर्तक महर्षि, उनके भी परम पिता ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी जिनके नाभि कमल से अभिव्यक्त हुए श्रीमन नारायण परात्पर परब्रह्म पुरुषोत्तम, ये सब धर्म के पक्षधर, सनातन धर्म के पक्षधर। आप कितने क्षण हमारे सामने टिक सकोगे, समझ गए? इस शरीर को लेकर हम नहीं कह रहे, ये तो आप समझ गए ना। दिग्विजय सिंह जी को मैंने सात्विक संकेत करते हुए कहा, कितने क्षण हमारे सामने टिक सकोगे? आपकी माता आपके पिता सनातनी थे, उनसे लेकर श्रीमन नारायण तक की शक्ति हमारे साथ होगी, एक क्षण भी तो आप टिक नहीं सकोगे। विश्व के जितने गो हत्यारे हैं, विश्व के जितने सनातन धर्म के विद्रोही हैं, एक क्षण भी टिकने की शक्ति नहीं है, दमखम है नहीं, और सनातन धर्मियों से आंख मिलाते हैं। इसलिए फिर मैं संकेत करता हूं, 3-4 वाक्य बोलकर। कल मैंने कहा था, कांग्रेस भाजपा अन्य दलों को एक अवसर और है, चेतने का अवसर और है। वहां आ ही गए कल्याण के संपादक जी, वाह, विराजो, बैठिए। हमने संकेत किया सज्जनों, क्या संकेत किया? हमने यह संकेत किया, एक दल भी अगर अपना शोधन, अपेक्षित शोधन, देश के हित में शोधन, विश्व के हित में शोधन, मानवाधिकार की सीमा में सबको स्नेह सम्मान देता हुआ हिंदुओं के अस्तित्व आदर्श की रक्षा की दृष्टि से अपना शोधन कर ले, बाकी जितने राजनीतिक दल हैं अपना शोधन करने के लिए बाध्य होंगे, विवश होंगे। और शोधन का बिंदु मैं बताता हूं, 2 बिंदु हैं। इन राजनीतिक दलों को अवसर प्राप्त है 5-7 महीने, ये अपना अपेक्षित शोधन कर लें, नहीं करते हैं तो रसातल में पहुंचने के लिए तैयार रहें। ये कोई मनोविनोद नहीं है, ये कोई मंच नहीं है कि आप लोगों से ताली बजवाने के लिए बात कही जा रही है। आप समझ रहे होंगे कि इन अष्टस्थान जो उच्चारण के हैं इनके माध्यम से कोई शक्ति बोल रही है, तो आप समझ गए ना, गुरु परंपरा का तेज बोल रहा है। हम लोग मंच पर मंचन करने वाले नहीं हैं। हमने संकेत किया, 2 बिंदु राजनीतिक दलों को ध्यान रखना चाहिए। और मैं आगे कहना चाहता हूं, भारत में वही राजनेता, वही राजनीतिक दल चुनाव लड़ने में अधिकृत हो जिसकी आस्था वक्ष्यमान 2 बिंदुओं में हो। वो 2 बिंदु क्या है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, मंगल पांडे, महाराणा प्रताप आदि मनीषियों ने प्राणों को हथेली पर रखकर भारत को स्वतंत्र देखना चाहा। उनके हृदय में स्वतंत्र भारत का जो स्वरूप था, राजनीतिक दलों को अवसर है कि उसको समझें और क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त करें, अवरोधक न बने। दूसरी बात क्या है? आपको पता होगा, सन 1911 के पहले अंग्रेजों ने षड्यंत्र पूर्वक, आज जिसको गांधार कहते हैं, पहले जिसको गांधार कहते थे आज अफगानिस्तान कहते हैं, सन 1911 के पहले अंग्रेजों ने भारत का एक टुकड़ा किया जिसका नाम आज अफगानिस्तान है, पहले जिसको गांधार कहते थे, गांधारी नाम सुना होगा, गांधार। उसके बाद सन 1911 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक अंग्रेजों ने श्रीलंका, बर्मा को भारत से पृथक किया। भारत से पृथक दो राष्ट्र, एक का नाम पाकिस्तान, दूसरे का नाम भी पाकिस्तान, जो आज एक पाकिस्तान एक बांग्लादेश है। ये अंग्रेजों के द्वारा भारत के विभक्त भूभाग हैं सज्जनों। कोई ऐसा दिन नहीं जब पाकिस्तान और भारत के सैनिक शाम को 6 बजे ध्वजवंदन करते हैं। वहां जाकर हम निरीक्षण करते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, समझ गए। कोई ऐसा दिन नहीं जिस दिन भारत की सीमा छलवल ढंके की चोट से पड़ोसी राष्ट्रों की ओर खिसकाई ना जाती और खिसकती ना हो। विभाजन का यह क्रम प्रतिदिन चल रहा है। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अंग्रेजों ने सन 1911 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक 3 बार भारत का विभाजन किया। अफगानिस्तान का विभाजन पहले कर लिया था। स्वतंत्र भारत के सत्तालोलुप दूरदर्शी दिशाहीन प्रधानमंत्रियों ने 10 बार भारत का विभाजन किया। विभाजन का क्रम प्रतिदिन चला आ रहा है, इसलिए हमने संकेत किया। दूसरे बिंदु क्या है, विभाजन के बाद, पाकिस्तान बनने के बाद, विभाजन के बाद जो भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वो स्वतंत्रता क्या संकेत करती थी और करती है, समझ गए। विभाजन के बाद का भारत कैसा होना चाहिए, एक महाराणा प्रताप, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस आदि मनीषियों ने स्वतंत्र भारत का क्या स्वरूप समझा था, इन दोनों बिंदुओं पर ध्यान आकर्षित करके राजनेता अपने दल का अपेक्षित शोधन करें। अगर शोधन नहीं करेंगे तो व्यासपीठ दुर्बल नहीं है। अभी आपने सुना ना, मातृ प्रसाद जी से मैंने भी कल कहा था, हम आप जितने मूल में तो श्रीमन्नारायण हैं। अगर कोई हरि को माने तो हर को माने तो मूल में तो यही है। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा पूरा विश्व सुन ले, ज्योतिष के आधार पर विचार कर लेना। इस कल्प में हम लोगों की गुरु परंपरा 1,97,29,49,116 वर्ष है। इसको कोई फूंक मार के उड़ा देगा क्या? किसी में क्षमता है क्या? इसलिए जब तक हम लोगों की भिकुटी तनी नहीं है, तभी तक सत्तालोलुप दूरदर्शी राजनीतिक दलों की दाल गल रही है। अधिक समय तक भारत में हम गोवंश की हत्या को नहीं सह सकते। एक क्षण के लिए भी असह्य है। लेकिन वही स्थिति होगी, आप इसको केवल रोचक वाक्य मत समझिए। मंच पर जैसे कोई बने हुए होते हैं ना, उस ढंग से एक्टर एक्ट्रेस की बात मत सुनिए। जैसे वशिष्ठ जी ने संकेत कर दिया, नंदिनी तुम समर्थ हो, हम शक्तिपात करते हैं, तुम अपनी शक्ति का प्रयोग करो। नंदिनी ने तत्काल शरीर का विन्यास किया, यवन सैनिकों को प्रकट करके विश्वामित्र के सैनिकों के कचूमर निकाल दिए। वैसे ही ये जितने गो हत्या के पक्षधर हैं, काटजू इत्यादि। लज्जा की बात है कि स्वतंत्र भारत में हिंदुओं के मुख से गोवंश की हत्या का समर्थन हो रहा है। क्या महाराणा प्रताप जहां होंगे इसको सुनकर रोते नहीं होंगे? मंगल पांडे जहां दिव्य लोक में होंगे, आज हिंदुओं के मुख से गोहत्या के समर्थन की बात चली आ रही है। पगली सरकार जो पश्चिम बंगाल की, वो कहती है गरीबों का भोजन है गोवंश। कल कोई कह सकता है कि माता का मांस, पिता का मांस गरीबों का भोजन है। अनर्गल प्रलाप, स्वतंत्रता का दुरुपयोग। इसलिए यह मत समझिए हिंदुओं में कमी है। अंत में कल मैंने बताया, परसों बताया स्वामी जी को, बाहर का संघ बल हमें कम दिखता हो, आपको दिखता ही होगा कम, लेकिन विश्व की वैश्वानर रूपता, मांडुक्य उपनिषद, तेजस की हिरण्यगर्भ रूपता, प्राज्ञ की अंतर्यामी सर्वेश्वर रूपता, तुरीय की ब्रह्म रूपता का जिसको विज्ञान है, वो चलता फिरता आत्मबम है और अरबों सैनिकों का सेनापति है, समझ गए ना। इसलिए हमारे एक एक व्यास गद्दी के पुरोधा बाहर से भले एक दिखते हों, लेकिन उपासना के बल पर, समष्टि तादात्म्य पत्ति के बल पर, और वो सैनिकों से अधिक बल था। विश्वामित्र को कहना पड़ा धिक बलम, क्षत्रियों का बल धिक्कार। सारे अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करके भी वशिष्ठ जी के ब्रह्मदंड के सामने उनके अस्त्र शस्त्रों की दाल नहीं गली। तो हमने संकेत किया, पवन तनय बल पवन समाना, का चुप साध रहो बलवाना। विदेशी षड्यंत्रकारियों के यंत्र बनकर भारत के राजनेता और राजनीतिक दल काम करना बंद करें और मानवाधिकार की सीमा में सबको अभयदान देकर सनातन वैदिक आर्य मान बिंदुओं की रक्षा के लिए कटिबद्धता का परिचय दें। अब हमारे श्री मुलोक पीठाधीश्वर जी व्यास गद्दी पर समासीन होंगे और हम लोग यथास्थान मन को यहाँ रखकर एक दृष्टि से, एक गुप्त दृष्टि से यहाँ श्रोता बन के रहेंगे। व्यावहारिक दृष्टि से जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। हर हर महादेव। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान की।